प्रदेश में राजीव सैजल जैसे व्यक्ति को एक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, ये सुनकर ही मैं शर्मिंदा और व्यथित हूँ। हम इतने वर्षों की गुलामी और यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी नहीं सुधरे तो हम कब सुधरेंगे। ये शब्द शांता कुमार ने ब्राह्मण कल्याण परिषद के रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहे। शांता कुमार ने कहा कि जिन्ना में इतनी ताकत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के टुकड़े करके पाकिस्तान बना पाता, लेकिन हमारे देश में ही भेदभाव करने वाले कुछ लोगों की वजह से जिन्ना को ताकत मिली। यदि तब भेदभाव नहीं होता तो जिन्ना कभी पाकिस्तान नहीं बना सकता था। शांता ने कहा कि अफसोस आज भी इस बात का है कि हमारे देश और प्रदेश से भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। शांता कुमार ने कहा कि ब्राह्मण वे व्यक्ति होता है जिसने ब्राह्मण को पा लिया है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता, बल्कि व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है। संत कबीर का उदाहरण देते हुए शांता कुमार ने कहा कि उनसे बड़ा ब्राह्मण कोई और नहीं हो सकता। शांता कुमार ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी कर्म से ब्राह्मण है। उनके साथ जातिगत आधार पर जो कुछ हुआ है वह सच में पीड़ादायक है और ऐसे न जाने कितने मामले प्रदेश में होते हैं। शांता कुमार ने कहा कि आज भी समाज में भेदभाव और छुआछूत है, तो फिर हम आजाद कहाँ हुए हैं? ये मानसिक गुलामी है जिससे हमें आजाद होने की जरूरत है। कि हमारे प्रदेश के एक मंत्री राजीव सैजल को कहना पड़ा कि एक गांव के मंदिर में मुझे प्रवेश नहीं मिला। खबर पढ़कर शर्म शर्म। आज ये हालत किसने बनाया? पाकिस्तान जिन्ना ने नहीं बनाया। जिन्ना पाकिस्तान नहीं बना सकता था। हमारे देश के कुछ लोगों ने भेदभाव किया, कुछ लोगों को शूद्र कहा, अछूत कहा, दुत्कारा। जिनको हमने दुत्कारा उनको विदेशियों ने स्वीकारा और लाखों की करोड़ों की संख्या में मुसलमान हो गए और पाकिस्तान बना। जिस कारण पाकिस्तान बना, भेदभाव के कारण, आज भी हिमाचल में वो है। मुझे दुख है जिस गांव में मेरे प्रदेश के मंत्री को मंदिर में नहीं जाने दिया, उस गांव में कोई ब्राह्मण नहीं था। अगर कोई ब्राह्मण होता तो आगे आकर के खड़ा होता। राजीव सैजल में भी ब्रह्म है, वो जन्म का ब्राह्मण ना सही, लेकिन कर्म का ब्राह्मण है। मित्र, इस बात को समझना पड़ेगा। कबीर जन्म से जुलाहा थे, संत हो गए। कबीर से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। और एक बात, कबीर जब संत हो गए तब भी कपड़ा बुनते रहे, थोड़ा सा समय निकालते थे, कपड़ा बुनते थे। एक बार किसी ने पूछा, अब आप तो संत हो गए हैं, कपड़ा क्यों बुनते हैं? क्या उत्तर दिया था उसे, क्या उत्तर दिया था उसे? कबीर ने कहा, पहले मैं कपड़ा बुनता था किसी ग्राहक की जेब से पैसा निकालने के लिए। पहले मैं कपड़ा बुनता था किसी ग्राहक की जेब से पैसा निकालने के लिए, अब मैं कपड़ा बुनता हूं किसी राम का तन ढकने के लिए, किसी राम का तन ढकने के लिए। अब कबीर को कोई ग्राहक नजर नहीं आता, कबीर को कोई ऊंचा नीचा नजर नहीं आता। अब कबीर को हरेक में राम दिखाई देता है। क्या हमको हरेक में भगवान दिखाई देता है? अगर नहीं दिखाई देता तो हम बराबर नहीं।